हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SS व्लॉग्स। सो आज मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आई हूँ, ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिससे आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो जाए लॉकडाउन में। बिकॉज मेरे को पता है लॉकडाउन में मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस बोर्डम को, और इस बोर्डम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो में जितनी रियलिटी है, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो मैंने स्टोरीज़ नहीं, मतलब हमारी फैमिली की जो ये स्टोरीज़ ही कह लो, चलो जो हमारी फैमिली की है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी किसी के साथ हुआ है। और जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे काफ़ी स्टोरीज़ मेरे सामने आई जो कि काफ़ी लोगों ने मेरे को बताई, मतलब हमारी फैमिली की, कि मतलब ऐसे भी होता है, ऐसे भी हुआ था। सो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, तो शुरू करते हैं हम आज की स्टोरीज़ को। सो गाइस, जो पहली स्टोरी है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर मेरे पे इतना सा भी ट्रस्ट करते हो, सो या आपको होपफुली ये स्टोरी भी सच्ची लगेगी। सो क्या होता है, स्टोरी शुरू होती है हमारी यहाँ से कि हम लोग, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरी दीदी थी साथ में, मैं तो काफ़ी छोटी थी, मेरी दीदी मेरे से बड़े हैं। हाय दीदी, अगर आप वीडियो देख रहे हो। तो क्या हुआ कि हम लोग मैं छोटी थी और हम लोग ना ऊपर खेलते होते थे छत पे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब मेरे पापा की एक्सरसाइज वाली मशीन छत पर पड़ी है जो कि अब नहीं है वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पर छत पे जब हम खेलने गए, तो कभी कभी हम उस मशीन पे स्लाइड ले लिया करते थे, ठीक है, और कभी कभी नहीं लेते थे, और कभी कभी कुछ और खेल लेते थे। तो हमारे छत पे एक स्टोर है, स्टोर जो काफ़ी टाइम तक लॉक रहता है, उसको कोई नहीं खोलता। वो मेरे दादू का स्टोर है, उसमें वो अपना सामान रखते हैं जो भी उनके यूज़ का सामान है। सो एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम, मैं तो छोटी थी चलो, बट मेरे को फिर भी ये स्टोरी याद है, बिकॉज मैंने अपनी आँखों से देखा है कि यार ये हो क्या रहा है सच्ची में। सो हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग उस टाइम खेल रहे थे, मैं तो छोटी थी तो मैं स्लाइड ले रही थी उस एक्सरसाइज वाली मशीन पर। सो हुआ कुछ यूँ कि जो वो स्टोर का दरवाज़ा था, हम लोग सारे बात कर रहे थे, और मेरे को लगता है उस टाइम बारिश हो रही थी शायद, आई एम नॉट श्योर, बट जो स्टोर का दरवाज़ा था वो एकदम से खड़कने लग गया। पहले खड़का, हमें लगा पता नहीं हमें शायद सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर खड़का एक और बार, मैंने सोचा क्या हो रहा है। तो जब थर्ड टाइम जब वो खड़का, तो मतलब वो नॉन स्टॉप ऐसे ऐसे हो रहा था, और हम इतना डर गए कि हम वहाँ से भाग कर नीचे आ गए। हमने सोचा कि अब हम काफ़ी दिन ऊपर, मतलब थोड़े दिन और नहीं जाएंगे छत पे, क्योंकि हमें नहीं पता था उस रूम में ऐसा क्या आएगा इस। और सीरियसली मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ होगा। चलो ये तो एक और स्टोरी, ये एक स्टोरी होगी, ये हम इसे साइड पे करते हैं। अब जो मेरे को याद नहीं है, मेरे को काफ़ी लोगों ने बताई है, मतलब मेरी बुआ ने बताई है, मेरे मम्मी पापा ने बताई है, वो स्टोरी ये है कि जब मैं छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, जब मैं गोदी में थी, तब मेरे मम्मी पापा रात को वॉक करने जाते थे, और वो एक पार्क में जाते थे, हमारे घर के पीछे ही पार्क है। सो वो मेरे को वहाँ पर लेके जाते थे रात को। सो एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं, वहाँ पर पार्क ऐसे ना राउंड टाइप सा था, काफ़ी बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा था वो, और वो ऐसे फोर पार्ट्स में डिवाइडेड था। सो हुआ यूँ कि हम एक पॉइंट पे पहुँचते थे, जहाँ पर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर आके मैं रोना शुरू कर देती थी। मुझे नहीं पता, मेरे को याद नहीं है कि मैं क्या देखती थी वहाँ पर, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ पर आकर मैं रोना शुरू कर देती थी। अभी मेरे को मेरी अभी बात हुई थी थोड़े दिन पहले बुआ से, तो बुआ मेरे को बता रहे थे, कहते कि हाँ तू रोने लग जाती थी, और फिर हमने कहा कि इसे वहाँ मत लेकर जाया करो। तो जब वो वॉक करने जाते थे तो मेरे को अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे, तो इसे साथ लेके जाना पड़ता था। एक पॉइंट आता था जहाँ पर मैं रोने लग जाती थी, एंड कल मैं बैठ के, मतलब मैं सोच रही थी यार कि मतलब क्या चीज़ हो सकती है कि मैं क्यों रोती थी। मतलब या तो मेरे को वहाँ पर कुछ दिखता था, है ना,
या फिर मुझे कुछ यू नो नेगेटिव वाइब्स आती थी वहाँ से, क्योंकि जितना मैं उस पार्क में खेली हूँ ना, वहाँ पर मेरे को जितनी जो बुरी लगती हैं चीज़ें, कुछ पार्ट्स हैं उस पार्क के जो काफ़ी डार्क है, काफ़ी डार्क है, तो वो चीज़ हो सकता है मेरे को अब बिल्कुल मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कि मतलब मैं क्यों रोती थी वहाँ। और वो एक पर्टिकुलरली पॉइंट था, और जब वहाँ से आगे जाना मैंने एकदम से चुप हो जाना। अब इसको सुन के मेरे को याद नहीं था, मेरे को मम्मा पापा ने काफ़ी देर पहले बताया था, बट बुआ ने मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ये याद दिलाई, मेरे को याद नहीं थी स्टोरी, बट चलो वो एक और अलग स्टोरी हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारी फ्रेंड्स, ये मैं तो मतलब ये 2-3 साल पहले की ही स्टोरी है, और ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। सो हम लोगों का फ्रेंड्स का एक ग्रुप हुआ करता था हमारे स्ट्रीट में, हमारी लेन में, और हमारी गली में काफ़ी बच्चे थे, तो हम उनके साथ खेलते थे जैसे। सो एक बार एक टॉपिक पे ना चर्चा हुई कि यार हमारे एक्चुअली आगे ना गली में एक जाकर एक घर है जो काफ़ी देर से उसकी कंस्ट्रक्शन बंद थी, एंड अब तो वो घर उन्होंने तोड़ दिया, फाइनली वहाँ से हटा दिया है, बिकॉज़ उसकी कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गई थी। और क्यों रुकी थी वो मैं आपको आगे स्टोरी में बताती हूँ। सो हमने ये एक बार चर्चा करी कि यार हम इस आगे को आगे जो ये घर है इसको देख के आते हुए, मतलब वो काफ़ी हॉरर टाइप, हॉन्टेड टाइप सा घर था। सो हमने सोचा कि इस पे यार एक बार देख के आना चाहिए। हम साइकिल्स वगैरह पे गए क्योंकि ये पास था, हमने ज़्यादा दूर नहीं जाना था, सो हम वहाँ पर गए। और एक्चुअली कुछ इस साइड में कुछ बच्चे रहते थे वहाँ पर ना, उन्होंने हमें एक बार आके हमारे पे प्रैंक किया, कहते कि यार हमने वहाँ पर ना कुछ देखा तो तुम हमारे साथ चलो, हमें डर लग रहा है, हमने वहाँ पर जाना और देखना कि मतलब वहाँ पर है क्या। सो हम उस बात को लेकर हमने चर्चा करी और हम आगे चले गए, हमें नहीं पता था कि वो हमारे पे प्रैंक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सो हम गए वहाँ पर, हमने काफ़ी चीज़ें देखी जो कि नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर। सो पहली चीज़ ये, उन्होंने उन बच्चों में से किसी एक ने हमें बताया कि यहाँ पर एक ब्लू कांच, जो अब इंडिया में अब नहीं मतलब उस टाइम भी बैन था, और इंडिया में नहीं काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है वो, और वो ब्लू कांच जो था वो वहाँ पर गिरा हुआ था, ठीक है, और वो हमने खुद देखा। हाँ हमने देखा, क्योंकि वो हमें उन्हें कोई प्रूफ देना था हमें कि हाँ यहाँ पर कुछ है ऐसा, तो उन्होंने एक प्रूफ दे दिया हमें ये कि ब्लू कांच जो यहाँ पर बैन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एक्चुअली इस घर की कंस्ट्रक्शन काफ़ी देर से रुकी हुई थी, एंड तो हमें मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि यार ये ब्लू कांच बैन है इंडिया में। सो हमने देखा, ठीक है, हम उस ब्लू कांच जो था वो ब्लू ग्लास था उसके पास गए, हमने उसे उठाकर देखा, और आप ट्रस्ट मी कि वो जो कांच, वो ग्लास था, वो था कि बिल्कुल शेप्स में कटा हुआ था। एंड आई वाज लाइक यार ये कैसे हो सकता है, कोई शेप में इसको बिल्कुल, सारे पीसेस एक शेप में थे और वो सारे एक जगह गिरे हुए थे एक बोरी के अंदर, ठीक है, ये एक प्रूफ हम साइड पर रखते हैं। सेकंड प्रूफ था, हमने उस दीवार पे, हमने उसके अंदर घर के अंदर देखा कि मतलब क्या क्या है घर के अंदर। घर के अंदर काफ़ी चीज़ थे, एक जंगल टाइप सा बना हुआ था, तो वहाँ पर हमने नोटिस किया कि एक बोरी पड़ी हुई है। अब हमने नहीं, वो उन्होंने ही हमें बताया, कहते कि ये देखो बोरी पड़ी है। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक हमें पत्थर लिया और बोरी पे मारा, और कहते देख लो आपके सामने है, इसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। अब ऐसा कभी होता है कि अब अगर आप किसी चीज़ को हिट कर रहे हो तो उसमें से आवाज़ ना आए, बट यस उसमें से बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। आई तो इतनी सी और इतनी बड़ी बोरी थी। अब मान लो अगर उसमें कुछ चावल पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, राइस है ना, कुछ भी पड़े हैं, कुछ भी चीज़ पड़ी है, तो हल्की आवाज़ तो आनी चाहिए, हल्की आई चाहिए, हल्की आई मान लो। अब इतनी बड़ी बोरी है तो सिर्फ इतनी सी आवाज़, हम शॉक थे। हम एक दूसरा प्रूफ मिल गया,
तो चलो बाकी उन्होंने आगे जो हमें प्रूफ बताए वो तो प्रैंक थे सारे, बट अभी मैंने जस्ट अभी आज वीडियो जब मैं कर रही हूँ आज के दिन मैंने चेक किया, जब मेरे दिमाग में आया कि यार ये स्टोरी हम शेयर करेंगे तो मैंने चेक किया कि ब्लू ग्रास इंडिया में बैन है कि नहीं, एंड यस वो बैन है इंडिया में, और तभी मैंने ये मैं स्टोरी आपके सामने लाई। और फिर हमने अगले दिन हमने काफ़ी लोगों से इन्वेस्टिगेशन करी कि यार मतलब जैसे आसपास घर थे हमने उनमें जाके पूछा कि आंटी ये घर क्यों बनना बंद हो गया, इसकी कंस्ट्रक्शन क्यों रुक गई है, तो उन्होंने कहा कि ये दो भाई कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे और कंस्ट्रक्शन हाफ से ज़्यादा हो चुकी थी, तब इनकी लड़ाई हो गई और कंस्ट्रक्शन वहीं बीच में रुक गई। सो हमने सोचा चलो ये भी ठीक है, फिर रुक गई ओके ठीक है। और जिस दिन हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना, मैंने देखा कि सामने वाले घर में से ना एक लड़की हमें ऐसे गेट से ना तो बिल्कुल अजीब सी शक्ल बनाकर देख रही है जैसे उसको कुछ पता है। और मैंने सबको बोला, मैं कहा देखो कैसे देख रही है हमें। सो एक्चुअली वो एक घर की मेड थी एंड काफ़ी बार हमने उसे देखा है बट हमें नहीं पता वो ऐसे हमें क्यों देख रही है। सो उसके बाद हम काफ़ी 5-6 दिन हमने उस घर के चक्कर लगाए और एक दिन तो दो लोग उनके ग्रुप में से गए भी थे घर के अंदर देखने की मतलब क्या क्या है। सो हमने एक्चुअली बेट लगाई थी कि हम आइसक्रीम खिलाएंगे अगर तुम लोग अंदर गए, तो वो अंदर गए दो लोग, वो अंदर गए, अंदर उन्होंने जाकर एक बहुत बड़ा खड्डा देखा और खड्डे के उस पार तो वो जा नहीं सकते थे। अब वहाँ से वापस आ गए, उन्होंने बताया काफ़ी सारी ग्रास है घर के अंदर। और उसके बाद जब घर टूट गया तब भी उन्होंने जाके देखा, तब उन्होंने बोला ग्रास से भरा हुआ था और अब उन्होंने काफ़ी ग्रास हटा दिए पिछली बार के कंपैरेटिवली। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो गाइस एक ये स्टोरी थी, हमें नहीं पता अब इसमें कितनी रियलिटी है और कितनी फेक चीज़ें, बट जो मैंने आपको प्रूफ दिए हैं वो बिल्कुल सही है और मैं उन पर झूठ नहीं बोलूँगी। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी। सो गाइस जो मेरी नेक्स्ट स्टोरी है वो है मेरी दीदी और मेरे ब्रदर की, मेरे कजिन्स की। सो वो दिल्ली में रहते हैं और हाय इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो। सो जो अब इनकी स्टोरी है दोनों की सेम है। सो मेरा जो ब्रदर था वो जब छोटा था वो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया तो जिस रूम में अभी मैं और मेरा ब्रदर सो रहे हैं वो उस रूम में सोता था बुआ के साथ। तो एक बार क्या हुआ, वो रात को उठ के रोने लग गया, बहुत रोया। तो बुआ उठे, बुआ कहते क्या हो गया, क्यों रो रहा है। तो वो विंडो को देख ही जा रहा था। तो बुआ ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो वो बहुत छोटा था, वो कुछ बोला नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोता गया, पूरी रात रोया वो। तो उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, बुआ भी साथ ही दूसरे कमरे में चले गए। सो बुआ ने मेरे को बताया कि उसने अभी 1 मंथ पहले मुझे बताया कि उस विंडो में वो क्या देख रहा था। उस विंडो में वो देख रहा था कि एक लेडी खड़ी है वाइट कपड़ों में जो उसे कंटिन्यूसली देख रही है, और वो इतना डर गया था तभी वो इतना रो रहा था। एंड हैट्स ऑफ, वो मतलब बहुत छोटा था, मेरा हार्ट फेल हो जाना था अगर मैंने ऐसी कुछ चीज़ देख ली होती। एंड सीरियसली मतलब मैंने जब ये सुना मैं कहा बुआ सच्ची में, बुआ कहते हाँ इसने मेरे को बताया है। बुआ कहते पहले मैंने भी नहीं सोचा था, कि मेरे को लगा कि ऐसी इसको वैम सा हो रहा है, बट नहीं वो उसने ऐसे सच्ची में बताया, कहता नहीं मेरे साथ हुआ था ऐसे। तो अब यही बात हुई थी मेरी दीदी के साथ जब मेरी दीदी थोड़ी छोटी थी, मेरे को क्लास तो नहीं पता है बट उन्होंने भी ऐसी एक लड़की को देखा था वाइट कपड़ों में, बट बात भी करी थी उसने दीदी के साथ। और दीदी ने सुबह बुआ को बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ था,
आई डोंट नो कि व्हाट वर द एग्जैक्ट टॉक्स कि उनके बीच में क्या बातें हुई थी, बट मुझे जितना याद है वो ये था कि पता नहीं वो कह रही थी कि मेरा नाम वामिका है, हाय दीदी इफ यू आर वॉचिंग, मेरी दीदी का नाम वामिका है, और वो लेडी कह रही थी कि मेरा नाम वामिका है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं वट एवर, बट ये सुन के मैंने पहले दीदी की स्टोरी सुनी थी, और मेरी दीदी ने तो बहुत भूत देखे भाई, मैंने तो ज़िंदगी में इतने भूतों की फिल्म नहीं देखी होगी जितनी मेरी दीदी ने भूत देखे हैं। चलो मैं सारी तो नहीं बताऊँगी, बट अभी मैंने ये आपके साथ एक ये शेयर करी है, और उसके बाद से मेरा जो ब्रदर कज़न है वो डरता तो है अभी भी, बट उसको भूत वगैरह का बहुत शौक है, वो गेम खेलता है ग्रैनी गेम जो आजकल बच्चे खेलते हैं, वो इन चीज़ों से डरता है, बट वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत लेता है मेरी तरह, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत लेती हूँ, बट मैं रात जैसी होती है मैं डर जाती हूँ भैया ऐसा तो नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा। और एक और मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, अभी ये मेरे ब्रदर की, मेरे रियल ब्रदर शिवेन, कुछ दिन पहले की बात है, उसने एक मूवी देखी थी भूत, विकी कौशल की, तो उस दिन उसने दो मूवीज़ देखी, स्त्री बहुत बार देख चुका है, उसको डर नहीं लगता उससे, और भूत देखी उसने फर्स्ट टाइम, उसमें वो भूतनी चुड़ैल जो भी कह लो दीवारों पे चल रही थी। सो उस दिन जब रात को नीचे जो रूम है हमारा जिसपे हम सोते हैं, जिसमें मेरे कज़न ब्रदर ने देखी थी लेडी और दीदी ने देखी थी, उस कमरे में हम सोते हैं हम, और उस कमरे में जब हम उस दिन सो रहे थे तो सोते सोते मेरे को उस दिन फीवर था, मैं काफ़ी लेट सोई, 5 o'clock में सुबह सोई थी उस दिन, और कुछ हुआ था ऐसा जिस वजह से मैं थोड़ा डर गई थी, बट चलो मैंने काफ़ी कंट्रोल किया अपने आप को, फिर मैं मोबाइल देखा रात तक, 5 o'clock मैं सोई जाकर जब मेरे को नींद आनी शुरू हुई, तो क्या हुआ था कि रात को कुछ 2:30 हुए होंगे, और मैं तब मोबाइल चेक कर रही थी, और चेक करते करते शिवेन एकदम से उठ गया, और जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते कि वो एकदम ऐसे बंदा सोया हुआ एकदम से ऐसे उठ जाता, वो ऐसे उठा और मेरी राइट साइड पे जस्ट एक दीवार थी, उसको देखकर वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं, एंड मेरे को था कि ये क्या हो गया इसे, मैंने उसको शांत करवाया, मैंने कहा शिवेन क्या हो गया क्या होगा, फिर उसने अपनी आईज़ खोली, आईज़ तो पहले भी खोली थी जब वो दीवार को देख रहा था, एंड मेरे को समझ आ गया कि इसको क्या दिख रहा है, बट अब मुझे नहीं पता इसने वो सच्ची में देखा क्या देखा, मुझे नहीं पता, और मैंने उसको शांत करवाया, मैं उसको सुलाया, उसको सुलाने में मेरे को कम से कम 15-20 मिनट लग गए, बट उसको सुलाया मैंने फाइनली, और उसको थोड़ा थोड़ा याद था कि हाँ मैं चिल्लाया था, बट उसको रीज़न मेरे को नहीं पता उसको याद है कि नहीं। सो गाइज़ यहाँ पर ख़त्म होती है मेरी स्टोरीज़, मैं इसका पार्ट टू भी लाऊंगी अगर आपने रिक्वेस्ट करी तो, रिक्वेस्ट नहीं मतलब अगर आपने बताया कि ये इसका पार्ट टू भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्टोरीज़ हैं बहुत सारी, बट मैं एक वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहती कि आपको देखने में बोरिंग लगे। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।